गाइज़ ये है मेरा नया कैरियर और ये जो कैरियर है मैंने लिया था बाइकस्टर से। हालांकि यहाँ पे मैडोवो बाइक्स लिखा है, लेकिन ये जो मैंने मंगाया था, ये मंगाया था मैंने bikester.com। इसका इंस्टाग्राम पेज भी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये इसको लगाए हुए ना काफ़ी दिन हो गया, एटलीस्ट 2-3 महीना हो गया है। और इसको लगाने के बाद मैंने सोचा कि आपको मैं बढ़िया सा रिव्यू दूंगा, क्योंकि अचानक लगा कि भी आपको रिव्यू देना ठीक नहीं समझा मैंने, क्योंकि इसको मुझे अच्छे से 2-3 महीने यूज़ करना था। तो ये इसका जो काफ़ी क्वालिटी है ना, काफ़ी रग्ड है, काफ़ी बढ़िया है। तो ये कैसे आया था, तो वो कैसे आया था उसका जो फ़ोटोज़ है वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पे। और इसका जो क्वालिटी है ना काफ़ी बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात क्या लगी कि इसमें आपको ना सब तरीके का चीज़ पे आपको बोल्ट दे के रखा है, मतलब आप कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको अलग से फिटिंग नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये आपको सब इनबिल्ट होके आया। और यहाँ पे जो है सारी गार्ड के लिए भी यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है चीज़, तो इससे इससे क्या हुआ कि मेरे सारी गार्ड जो है इसको भी हटाना नहीं पड़ा। और इसमें क्या ना, जितना भी बोल्ट जो होंडा की तरफ से दिया गया था, जितना भी बोल्ट्स वही सब लगे, तो इस पर इस चीज़ के साथ जो है वो एक्स्ट्रा बोल्ट और नहीं आया था, तो इसका ही बोल्ट लगा। तो मैंने कैसे लगाया था, फर्स्ट मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एक आता है उसको मैंने निकाला। निकालने के बाद फिर मैंने ये जो स्प्रिंग पे जो लगा है, ये और ये यहाँ का जो लगा है, इसको मैंने निकाला। निकाल के मैंने थोड़ा सा नीचे किया, फिर ये वाला पार्ट लगाया, उसका भी सेम चीज़ मैंने ऐसा किया, यहाँ से भी निकाला। और उसके बाद फिर मैंने ये लगाया, ये लगाने के बाद पहले बोल्ट यहाँ पे लगेगा, फिर यहाँ पे लगेगा, तो ये चीज़ पहले यहाँ पे लगेगा, फिर यहाँ पे एक बोल्ट है, इसके अंदर एक बोल्ट है गाइस, तो यहाँ पे एक बोल्ट है इसके अंदर, तो वहाँ पे एक बोल्ट है और ये फिर लग जाता है और काफ़ी रख दिया। और सबसे अच्छी बात तो इसके साथ ये मिला है मेरे साथ बैक रेस्ट, जो कि काफ़ी कूल है। सो तो इसका भी बोल्ट यहाँ पे लगता है। ये सब सारे जो है एलन की से लगे, और ये मैंने एक्स्ट्रा स्टिकर लगाया था, क्योंकि ये सेम चीज़ जो है वो यहाँ पे भी लगी थी, लेकिन वो बारिश से फिर निकल गया। तो ये है ऐसा गाइस, ये है बैक रेस्ट। अभी बैक रेस्ट लेके, अभी बैक रेस्ट जो है ना काफ़ी ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं कहीं घूमने घूमने जाऊँगा तो यहाँ पर मैं जो है अपना लगेज जो है यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो ऐसा दिखता है गाइस, और बाइक जो है ना काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में जैसा कैसा बाइक दिख रहा है। अभी बढ़िया दिख रहा है बाइक, और अभी मेरे को और भी मॉडिफिकेशन करना बाकी है। और गाइस इसका जो कॉस्ट है वो मुझे पड़ा 3,280, जो कि मैंने दैट ऑनलाइन से मंगाया था, आते आते ऑलमोस्ट 7 डेज़ लग गया। और इसको मैंने घर पे ही लगाया था, और कुछ कुछ जो पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे उसी को मैंने लगाया था। और काफ़ी आसान था लगाने का, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपके पास सही सामान होना चाहिए, सही टाइप का, सही नंबर का एलन की होना चाहिए, और सब आराम से आपका जो है वो लग जाएगा आसान से। तो ये लगाने के बाद ना ये जो मेरा लाइट है वो भी थोड़ा सा प्रोटेक्ट हो जाता है, ऊपर से अगर कुछ भी चीज़ गिरता है तो मेरा लाइट जो है वो सेफ़ रहेगा। और बाकी तो यही था बस, जो मैंने अपने बाइक के लिए मॉडिफिकेशन जो किया था वही था बस। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया, और इसका जो लिंक है ना बाइकस्टर का, जो सेम जो सामान है इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप भी लोग चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी, काफ़ी रग्ड क्वालिटी, आप देख सकते हैं काफ़ी रग्ड क्वालिटी है ये। और बोल्ट्स कहाँ कहाँ लगे वो मैंने आपको बता दिया, तो सिंपल है लगाना गाइस। सो